दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपना WhatsApp में अदर कंट्री का नंबर यूज़ करें, वो भी बगैर सिम कार्ड के यूज़ करें, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन दबा दें नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है प्ले स्टोर, तो चलिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है टेक्स्ट नाउ। सर्च हो जाने के बाद जैसे कि आपको फर्स्ट लोगो मिल जाता है टेक्स्ट नाउ का, फ्री कॉलिंग प्लस टेक्स्ट यानी मैसेज भी कर सकते हैं आप इससे। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूं, आप इसे डाउनलोड कर लें। 10 मिलियन डाउनलोड है और 4.4 की रेटिंग है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ऐप्स है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं इसे सिंपली ओपन करता हूँ। ओपन हो जाने के बाद आपको साइनअप करना है। साइनअप में एक आपको जीमेल मांगा जाएगा, तो आप एक जीमेल दे दें और उसका पासवर्ड डाल दें। तो चलिए जीमेल और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का नंबर्स आ जाएंगे जिसमें से आपको किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है नीचे। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस ऐप्स के बारे में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक दे सकते हैं। चलिए इसे 10 लाइक्स दे देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके पास ऐड आएगा, तो ऐड को आपको कट कर लेना है। चलिए इसे कट करते हैं। आपको ये नंबर मिल जाता है, ये है दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर। अब चलिए व्हाट्सएप ओपन करते हैं और इस नंबर को वहाँ डाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एरिया का कोड डालना पड़ता है, आप किस एरिया का व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, किस एरिया के नाम से। तो चलिए हम +1 डाल देते हैं, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट का नंबर है। अब चलिए उस नंबर को यहाँ डाल लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, जैसा कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप में भी ऐसा ही करते होंगे। उसके बाद आपको ओके करना है। दोस्तों ये मैसेज जो है वो आपको मैसेज के जरिए नहीं मिलेगा, इसका जो कोड है वो आपको मैसेज के जरिए नहीं मिलेगा, आपको कॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉल मी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम कॉल मी पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मैसेज की तरफ से आ गया है, तो इस मैसेज को ओपन करना है। उसके बाद आप वॉइस से भी आप सुन सकते हैं कि कोड में क्या है, और आप जैसा ऊपर दिख रहा है कॉल का आइकन उस पर क्लिक करते हैं और मुझे ये पासवर्ड बताएगा, वो पासवर्ड मुझे डालना है वहाँ। तो चलिए पासवर्ड को भी डाल देते हैं, यहाँ पासवर्ड इंटर कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई हो रहा है, ये देखिए मेरा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डाल देना, यहाँ फोटो डालना चाहते हैं तो फोटो लगा सकते हैं, और किस नाम से बनाना चाहते हैं वह आप यहाँ नाम डाल सकते हैं। तो चलिए कुछ भी नाम डाल देते हैं, ABCD। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं मेरे को, ये सब मैसेज आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप किस नंबर से मेरा व्हाट्सएप बना है, तो आप ऑप्शन की पे जाएं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइट साइड अपर कॉर्नर में ये मेरा स्टेटस है और ये मेरा कॉल्स है। चलिए राइट साइड अपर कॉर्नर में क्लिक करते हैं ऑप्शन में, और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में क्लिक करते हैं। देखिए अकाउंट में मेरा वही नंबर यहाँ शो कर रहा है जो अभी मैं आपको दिखाया था। तो दोस्तों इस नंबर पे आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, कांटेक्ट कर सकता है तो सिर्फ वो आप जिस वक्त ऑनलाइन रहेंगे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे ही कॉल कर सकता है, डायरेक्ट नंबर पे कॉल नहीं कर सकता है। दोस्तों आप इसे मैसेज भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी ट्रिक से, वैसे ही जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप चलता है वैसे आप इस व्हाट्सएप पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस बेल आइकन दबा दे, इससे आपको ये फायदा होगा कि मेरा आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं।